जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव के लिए 26 जून को सुबह 11 बजे से 3 बजे तक नामांकन प्रक्रिया चलेगी। कलेक्ट्रेट में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच डीएम कोर्ट में नामांकन प्रक्रिया संपन्न कराई जाएगी। दोपहर 3 बजे के बाद नामांकन पत्रों की जांच होगी। 29 जून को नाम वापसी की तारीख तय की गई है, जबकि 3 जुलाई को मतदान होगा। इसी दिन नतीजे भी आ जाएंगे। इस संबंध में एडीएम वित्त एवं राजस्व राजेश कुमार सिंह ने बताया कि जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव के लिए अब तक 4 लोगों ने 8 सेट पर्चे लिए हैं। नामांकन डीएम कोर्ट में सुबह 11 बजे से 3 बजे तक चलेगा। इस दौरान सभी सुरक्षा व्यवस्था के साथ परिसर में बैरिकेटिंग लगा दिया गया है। नामांकन प्रक्रिया में निर्धारित संख्या से ज्यादा लोगों के प्रवेश पर रोक है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एडीएम वित्त एवं राजस्व राजेश कुमार सिंह ने बताया। कल जिला पंचायत का नामांकन होगा। प्रातः 11 बजे से सायंकाल 3 बजे तक जिलाधिकारी महोदय इसमें रिटर्निंग ऑफिसर हैं। ये उनके कोर्ट में ही होगा। अब तक कुल 8 व्यक्तियों ने नंबर ऑफ आवेदन पत्र लिए हैं। किसी ने 4, किसी ने 2, किसी ने 1 लिए हुए हैं। तो कुल 8 सदस्यों ने नामांकन प्रपत्र यहाँ से लिया हुआ है और वो कल जो लोग भी आएंगे वो नामांकन कर सकेंगे। यहाँ पर सभी व्यवस्थाएं कर दी गई हैं। बैरिकेटिंग लगी हुई है, फोर्स पर्याप्त व्यवस्था है और जिलाधिकारी महोदय के द्वारा आवेदन पत्र प्राप्त किए जाएंगे।